हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज बात करेंगे यस बैंक, SBI एंड कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज के बारे में, जो 8% से 30% तक का राइज हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों, यहाँ पे यस बैंक पे एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया है वो जो काफ़ी पॉजिटिव है, और इन्होंने कहा है कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि दे रिसीव्ड द बाइंडिंग ऑफर ऑफ $1.2 बिलियन फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स। दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छा न्यूज़ है और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और इन्होंने कहा है कि इसका जो ऑफर आया $1.2 बिलियन का फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स फॉर द फ्रेश इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी बोर्ड एंड शेयर होल्डर्स अप्रूवल। दोस्तों, इसके अलावा दूसरे भी इन्वेस्टर्स के साथ इनका डिस्कशन जारी है, और हो सके उतना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लाने की ये कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक न्यूज़ है। इन्होंने बोला है कि डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इन्वेस्टर फाइनल नहीं हुआ है। होपफुली ये पॉजिटिवली आगे बढ़े और कुछ फाइनल हो जाए। इसके बेस पे ये शेयर लगातार आगे बढ़ रहा है और आज नियरली 39% तक राइज होके आया है। दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो नियरली 70 रुपीज़ है, और 52 वीक लो हाई है 29 रुपीज़ एंड हाई है 285 रुपीज़। दोस्तों, यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखोगे तो पिछले एक महीने में ये एक अप ट्रेंड में रहा है, और बेस ऑफ न्यूज़ जो न्यूज़ है वो है कि कोई ना कोई इन्वेस्टर इसको बैंक को मिल जाएगा जो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन ये न्यूज़ के बेस पे ही एक महीने से बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट फाइनल डिस्कशन नहीं हुआ है और फाइनल आउटकम नहीं आया है। लेकिन मार्केट को ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा, और इसके बेस पे ये बढ़ा है। तो 30 रुपीज़ से 70 रुपीज़ तक हो गया, ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का राइज हुआ है पिछले एक महीने में। दोस्तों, लेट्स होप कि कुछ अच्छा आउटकम आ जाए और फ्यूचर अच्छा हो। दोस्तों, इसके बाद SBI ने भी 8% सर्च किया था ऑन 25th October बेस्ड ऑन द नेट प्रॉफिट ट्रिपल्स टू 3012 करोड़ रुपीज़, और इसका भी जो Q2 रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। उसके वजह से वो काफ़ी टाइम से, मतलब 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये भी एक अप ट्रेंड में रहा है, और इसका जो प्राइस है वो नियरली 310 रुपीज़ हो गया है, 52 वीक लो 244 रुपीज़ एंड हाई है 373 रुपीज़, ये ऑलमोस्ट मिड में आ गया है। दोस्तों, ये शेयर भी पिछले एक महीने में आप देखोगे 244 रुपीज़ के लो से एक अप ट्रेंड में रहा है, और ये इसमें भी एक अप ट्रेंड आ गया है। दोस्तों, बोथ इन SBI एंड यस बैंक एंड बंधन बैंक, सभी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है और एक अप ट्रेंड में चल रहा है। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड। दोस्तों, उसके बाद एक और कंपनी है कैपलिन पॉइंट, इसमें भी काफ़ी अच्छा Q2 रिजल्ट आया, और उसकी वजह से आज ये भी एक अप ट्रेंड में रहा है। उसके अलावा रामको सीमेंट एंड इंडिगो रेमेडीज भी अप ट्रेंड में रहा है। तो दोस्तों, ओवरऑल फार्मा में भी अच्छे रिजल्ट आ रहा है बैंकिंग के बाद, तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर भी एक अप ट्रेंड में आने की उम्मीद है। दोस्तों, यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जो सेल्स है वो सेप्टेम्बर 2019 में 133 करोड़ रुपीज़ हुआ है कम्पेयर टू 131 करोड़ रुपीज़ ऑफ 2018, एंड जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 57 करोड़ रुपीज़ हुआ है कम्पेयर टू 48.89 करोड़ रुपीज़ ऑफ 2018, एंड EPS भी 5.26 हुआ है कम्पेयर टू 3.92। दोस्तों, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 39 करोड़ रुपीज़ कम्पेयर टू 29 करोड़ रुपीज़ ऑफ सेप्टेम्बर 2018 क्वार्टर्स। हालांकि ये पिछले कुछ क्वार्टर्स से कम है ऑफ 2019, लेकिन कम्पेयर टू 2018 इट इज़ अप। तो दोस्तों, इसका भी अभी का प्राइस है 429 रुपीज़, ये भी नियरली 9% आइज अप हुआ था, और इसका 52 वीक लो है 304 रुपीज़ एंड हाई है 490 रुपीज़। ये भी आप देख सकते हो पिछले 2014 से लेके 17 तक ये अप ट्रेंड में रहा, बाद में एक डाउन ट्रेंड में रहा, बाद में अब ऑलमोस्ट अभी एक प्राइस रेंज में घूम रहा है पिछले 6 महीने 1 साल से। तो दोस्तों, ओवरऑल बैंकिंग एंड फार्मा इन बोथ द सेक्टर्स आउटकम्स आर पॉजिटिव, एंड जो रिजल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और इसकी वजह से मार्केट अभी रिवाइव हो रहा है, और जो भी अच्छी कंपनीज है विच हैज़ मैनेज हिज प्रॉफिट दे आर रनिंग वेरी फाइन एंड दे हैव वेरी ब्राइट फ्यूचर, सो दे आर ट्रेंडिंग इन अप ट्रेंड।
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।